हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे और प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे होंगे। ज़्यादातर आप घर पे ही होंगे, बाहर अपने काम से ही निकल रहे होंगे यदि कोई इमरजेंसी हो तभी, क्योंकि हम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। करेंटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर से बाहर नहीं जाएं। सो गाइस, बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये साड़ी स्टाइलिंग टिप्स, जो कि मैंने इसके साथ ये लुक जो क्रिएट किया है, ये जो स्टाइल मैंने ट्राई करी है इसके साथ, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने ये ट्राई किया है ऑरेंज कलर की साड़ी, वो भी इसको कॉन्ट्रास्ट किया है एक वेलवेट ग्रीन क्रॉप टॉप के साथ, जो कि क्रॉप टॉप मैंने परचेज करी है शीन से। बट शीन अब बंद हो चुका है, बैन हो चुका है इंडिया में, जो कि हम बट इस तरीके के क्रॉप टॉप्स बहुत सारी अवेलेबल हैं अमेजोन पे, कुछ सिमिलर्स थी, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट मैं स्पेशली आपके साथ ये लुक इसलिए शेयर करना चाह रही थी क्योंकि इस बार मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कलर ट्राई किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी जो ये साड़ी है ऑरेंज कलर की, ये मैंने बाई करी है टीकमगढ़ से, आई थिंक अराउंड 500 रुपीज़ की, और सिमिलर साड़ीज ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, मैं अमेजोन पे भी अवेलेबल है, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हो यदि ये साड़ी आपको बहुत पसंद आती है तो। पर्सनली मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और जैसे ही मैंने इसको ग्रीन कलर के साथ ट्राई किया तो ये मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लगी है। तो इसको आप कल गाइस ट्राई कर सकते हो इस तरीके के ग्रीन क्रॉप टॉप के साथ या फिर ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ भी ट्राई कर सकते हो। ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट कलर है, जैसा कि आप देख सकते हो ऑरेंज खुद में एक ब्राइट शेड है, बट इसके साथ जो ग्रीन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट कलर है और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने लिप शेड इसमें काफ़ी ज़्यादा डार्क रखा हुआ है, डार्क पिंक कलर का लिप शेड है मेरा, और मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट किया है गाइस इस तरीके के गोल्डन पर्स के साथ, जो कि मैंने परचेज किया था, मुझे याद नहीं, आई थिंक ये गिफ्टेड है या बट ये सिमिलर बैग, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इसे एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, यदि पसंद आए तो आप वहां से इसे बाय भी कर सकते हो। तो बेसिकली इस लुक को शेयर करने का मेरा मतलब पीछे ये था कि आपको यदि अपने लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करना है बट इसके साथ साथ आपको सिंपल भी दिखना है, ये मैंने लुक क्रिएट किया था। मैं एक फेस्टिवल पे गई हुई थी अपने घर, तब मैंने इस लुक को क्रिएट किया था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और जैसा कि आप देख सकते हो, ज्वेलरीज मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्ट रखी हैं। ज्वेलरीज में मैंने इसमें सिर्फ गोल्डन कलर की, अपनी प्योर गोल्डन की ज्वेलरी पहनी है, बहुत ही सिंपल सी इयररिंग है और सिर्फ अपना मंगलसूत्र इसमें पहना हुआ है, और सिर्फ पूरे लुक को इसका कलर ही, जो इसका साड़ी का कलर है, वही पूरा का पूरा लुक इन्हेंस कर रहा है। तो हमें इसके ऊपर कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा ज्वेलरीज एक्सेसराइज करने की जरूरत नहीं है। आपका मन है तो आप पहन सकते हो, दैट इज अ अदर थिंग, बट इसको आप इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्ट लुक है और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। कुछ कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक अच्छे कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं। मैं आपको यदि बताऊँ, ये ऑरेंज कलर की साड़ी गोल्डन कलर के साथ इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं होती जितनी कि ये ग्रीन कलर के साथ इन्हेंस हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इसको आप पिंक कलर की, डार्क पिंक होता है महावरी कलर, उस कलर के टॉप के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हो, उस कलर के ब्लाउज के साथ, और इवन मैरून कलर भी ट्राई कर सकते हो। बट पर्सनली मैंने भी ये तीनों कलर ट्राई किए, जिसमें मुझे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये ग्रीन और ऑरेंज का लगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी नज़र में क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके साथ मैं इसी तरीके के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ साड़ियों के साथ, क्रॉप टॉप्स के साथ, अपने ड्रेसेस के साथ, इन सारे जितने भी आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स मुझे अच्छे मिलते हैं, जिनका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। होप सो गाइज, आपको ये टिप एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी गाइज पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और गाइज आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर एक्चुअली जो है अपडेट सबसे पहले आते हैं, वहाँ पे डे टू डे लाइफ के स्टाइलिंग टिप्स, फोटोज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, वहाँ पे अपडेट सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब सबसे पहले आते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर देना। तो गाइज मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय।